बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड सम प्रोग्राम एंड आई हैव आल्सो गिव यू होमवर्क टू मेक सम प्रोग्राम। आई थिंक यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट एक्सरसाइज प्रोग्राम, दैट इज़ प्रोग्राम नंबर 12। Here we have the statement of this program. Write a program that takes a positive number with a fractional part and round it to two decimal place. ठीक है girls, हमने क्या program बनाना है? In this program कि हमने एक positive number का input लेना है, ठीक है, और वो fractional part पर decimal consist करता हो, यानी कि वो एक decimal point के साथ हमारे पास हो, float number हो। फ्लोट नंबर कौन से नंबर होते हैं जो डेसिमल पार्ट में होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आई राइट 2.4, 5.5, यानी कि जिसके अंदर आपके पास क्या आ रहा हो, पॉइंट आ रहा हो, यानी कि जो डेसिमल पार्ट के साथ हो वो आपके पास फ्लोट नंबर कहलाते हैं। एंड राउंड इट टू टू डेसिमल प्लेस, यानी कि हम जो नंबर लेंगे दैट शुड बी इस तरह होना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि जब हम ये नंबर इनपुट ले लें तो जब हम इसका आउटपुट बनाएं तो सिर्फ हमारे पास पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आने चाहिए। आज के लेक्चर में प्रीवियस तमाम लेक्चर को भी मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी कि वो क्या होते हैं। तो आज का लेक्चर आपका इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले जितने भी हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं मैं उन सब की टेक्निक्स को मैं आपको दोबारा रिकॉल करूँगी कि किस तरह का सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया जाता है। सो हेयर वी हैव एन एग्जाम्पल कि हमारे पास अगर हम नंबर हमारे पास होगा 25.4851, यानी कि ये नंबर हम इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट ये आ जाएगी। अगर हम ये नंबर इनपुट देंगे तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट होगी, दैट विल बी 6। ओके, सो सबसे पहले हम अपना जब भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, ये हमने चैप्टर नंबर 8 पे भी पढ़ा था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में असल में हमारे पास हेडर फाइल मौजूद होती है। हेडर फाइल क्या होती है? तीन तरह की हमारे पास हेडर फाइल होती है, एक स्टूडियो डॉट एच होती है, एक मैथ्स डॉट एच होती है और एक हमारे पास डिफाइन डॉट एच होती है। ठीक है, हेडर फाइल को लगाने का मकसद क्या होता है कि जो सी लैंग्वेज के कुछ हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट फाइल में स्टोर होते हैं। हम प्रोग्राम में जो जो फंक्शन यूज़ करेंगे ऊपर उनकी हेडर फाइल ज़रूर यूज़ करेंगे। अब इस फंक्शन, इस वाले प्रोग्राम में मैंने सिर्फ आपके पास जो स्टूडियो डॉट एच है ये आपके पास इनपुट आउटपुट फाइल्स इसके अंदर मौजूद होती है। यानी कि हम अपने प्रोग्राम में जब भी इनपुट और आउटपुट के फंक्शन यूज़ करेंगे तो हम कौन सी फाइल यूज़ करेंगे? हम इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्कॉनियो डॉट एच होती है, मैथ्स डॉट एच होती है, डिफरेंट हमारे पास फाइल होती है। तो जब भी हम अपनी कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे इंक्लूड हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और यहाँ पर ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन मार्क करेंगे। ये कौन सी फाइल है आपके पास? ये हेडर फाइल है जिसमें इनपुट आउटपुट के फंक्शन रखे हुए हैं। वॉइड मैन वॉइड, यहाँ पर क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है नथिंग, रिटर्न नथिंग। ये इसकी इस तरह की स्टेटमेंट है, ये हम इसको एज इट इज़ राइट करेंगे कि इसका मतलब है कि रिटर्न नथिंग, कि हमारे पास इस वक्त इस जो प्रोग्राम का मकसद है, यानी कि इस जो हमने ये लाइन राइट की है इसमें आपको रिटर्न कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये आपके पास क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हम उसकी सबसे पहले हम उसकी हेडर फाइल लेंगे। आगे हम जितने भी फंक्शन पढ़ेंगे मैं उन सबकी हेडर फाइल साथ साथ बताती जाऊँगी। अभी तक क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ प्रिंट एफ पर हमने फंक्शन पढ़ा है और एक हमने स्कैन एफ फंक्शन पढ़ा है, ये दोनों जो फंक्शन होते हैं इनकी जो हेडर फाइल है वो स्टूडियो डॉट एच है। यानी कि जब भी हम अपने प्रोग्राम में प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज़ करेंगे तो ऊपर हम इंक्लूड के साथ कौन सी हेडर फाइल लगाएंगे? स्टूडियो डॉट एच, यानी कि stdio.h लगाएंगे। और void मैन void सबके साथ लगेगा। उसके बाद हम ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, इसका मतलब है कि अब हमारी मेन बॉडी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब हम जब भी अपना सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम जो चीज़ करते हैं दैट होती है इनिशियलाइजिंग एंड डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजिंग क्या होती है और डिक्लेरेशन क्या होती है? इनिशियलाइजिंग का मतलब होता है और डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आपके प्रोग्राम में जो जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी डेटा टाइप क्या है, आपने वो पहले से मेंशन करनी होती है। अब अगर आप ये देखें तो ये दोनों नंबर मेरे पास डेसिमल में आ रहे हैं,
ठीक है। तो जब हम कोई भी पार्ट ऐसा लेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो डेसिमल में होगा, तो उसके लिए हम जो डेटा टाइप चूज करेंगे वो होगी फ्लोट। अगर कोई इंटीजर वैल्यू होगा तो उसके लिए हम लेंगे इंट। अगर कोई एक सिंगल कैरेक्टर होगा तो उसके लिए लेंगे हम चार। ठीक है, ये तीन डेटा टाइप हैं जो हम मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं। फ्लोट कौन सा होता है? जब हम अपने वेरिएबल में कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर आप लोगों के साथ जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है वो नंबर स्टोर करवा रहे हों। इंट आपके पास वो डेटा टाइप होता है जिसमें आपको इंटीजर वैल्यू करवा रहे हो, और चार हमारे पास वो होता है जिसमें आपको एक कैरेक्टर अप करवा रहे हो। अब अगर हम ये देखें तो हमें प्रोग्राम में ये वाला नंबर इनपुट लेना है, ये वाला नंबर यूज़ करने हैं ना, तो इन दोनों को हम क्या करें, कौन से डेटा टाइप है, ये फ्लोट की डेटा टाइप है, तो इसलिए मैंने ले लिया फ्लोट। इसी तरह लिखेंगे फ्लोट, और इस वाले जो नंबर को स्टोर करवाऊंगी मैं वेरिएबल वन में करवाऊंगी, और इस नंबर को मैं स्टोर करवाऊंगी वेरिएबल टू। उसके बाद जितने भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं दे आर टर्मिनेटेड बाय सेमी कॉलन, उनको हम सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट करते हैं। अब मुझे इस नंबर का इनपुट लेना है। इनपुट लेने का मेथड क्या होता है कि पहले मैं यूज़ करूँगी प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मतलब होता है कि हमें यूज़र को बताना है कि आपने किस तरह की वैल्यू इनपुट देनी है। हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट एफ में इन्वर्टिस कॉमास में हम जो कुछ टाइप करेंगे कंप्यूटर उसको एज इट इज़ टाइप कर देगा। प्रिंट एफ ब्रैकेट इन्वर्टिस कॉमास, इसका सिंटैक्स है हमने इसी तरह राइट करना है कि ब्रैकेट लगाना है इन्वर्टिस कॉमास एंटर वैल्यूज़ इन फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, हमने फ्रैक्शनल पार्ट के साथ दो वैल्यूज़ देनी है, इन्वर्टिस कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन। ठीक है, उसके बाद हम इस स्कैन एफ का फंक्शन लगाएंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमें इनपुट लेनी है। जब भी हम इनपुट की बात करेंगे यानी कि यूज़र हमें प्रोग्राम नंबर देगा तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये जो आपके पास परसेंट एफ नज़र आ रहा है ये आपके पास है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है कि आपने अपने जो भी ऊपर आपने वेरिएबल यूज़ किए हैं उसकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उसकी टाइप मेंशन करनी होती है कि आपने स्कैन एफ आपने लिया है तो आपने उसमें कौन सा डेटा टाइप पुट करनी है। क्योंकि हमने वेरिएबल वन और वेरिएबल टू का इनपुट लेना है तो इनकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। तो फ्लोट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परसेंट एफ। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कोई इंटीजर वैल्यू ले रही होती तो मैं यहाँ पर लिखती परसेंट डी। परसेंट डी लिखने का मकसद क्या है कि ये जो वैल्यू है आपको इनपुट लेंगे ये आपके पास इंटीजर वैल्यू होगी। परसेंट एफ लिखने का मकसद क्या है कि ये वैल्यू कौन सी होगी, फ्लोट होगी। अब क्योंकि मुझे दो नंबर इनपुट लेने होंगे तो मैंने दो दफ़ा परसेंट एफ का मार्क लगाया, इन्वर्टिस कॉमा ऐसे ही आ जाएगा कॉमा, उसके बाद हम एंड का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है, ये इसका सिंटैक्स है, एंड लगाएंगे। अब ये जो एफ परसेंट एफ है इसमें वैल्यू होगी वेरिएबल वन की, और दूसरा जो परसेंट एफ है उसमें वेरिएबल होगी वेरिएबल टू की। हर एक वेरिएबल जब भी हम इस स्कैन एफ के फंक्शन में कोई वेरिएबल लिखेंगे तो हम एक्स का साइन यानी कि एंड का साइन भी मार्क करेंगे। यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ तक हमारे पास दो नंबर यानी कि वो यूज़र हमें एक ये नंबर दे देगा और दूसरा ये नंबर दे देगा। अब कंप्यूटर की मेमोरी में जो वी आर वन है उसके अंदर ये वाला नंबर सेव हो जाएगा और जो वी आर टू है उसके अंदर ये वाला नंबर सेव हो जाएगा। जब नंबर सेव हो गया उसके बाद हमने कहा, उन्होंने हमें कहा है कि उसके बाद ये सिर्फ दो डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो आपके पास एफ की वैल्यू है उसमें आपने टोटल फाइव डिजिट लेने हैं और पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए, दो नंबर आने चाहिए। यानी कि उसने क्या किया कि टोटल उसने रिजर्व कर दिया अपनी मेमोरी में वैल्यू फाइव की, वन टू थ्री फोर फाइव की वैल्यू रिजर्व कर ली। ठीक है, उसके बाद उसने पॉइंट के बाद कितने डिजिट ले लिए, दो। अब ये जो एट है ये राउंड ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये फाइव है तो ये क्या हो जाएगा, नाइन। तो फर्स्ट वाले लेटर में क्या आ जाएगा, नाइन, उसके बाद आ जाएगा 4.52। ये आपको मैं समझा रही हूँ कि इसको कैसे हमने करना है। जब भी हम परसेंट के तार 5.2f लिखेंगे इसका मतलब होगा कि टोटल आपके पास फाइव डिजिट्स आएंगे और पॉइंट के बाद सिर्फ दो डिजिट्स होंगे। सेम आपके पास यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि टोटल ये जो आपके पास पॉइंट से पहले की जो वैल्यू होती है डेट इज़ रिप्रेजेंट कि टोटल नंबर ऑफ करेक्टर कितने होंगे और पॉइंट के बाद दो नंबर होंगे, तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आ जाएंगे, दो नंबर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, परसेंट 5.2f
पर्सन 5.2F, इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू के 5-5 डिजिट्स होंगे टोटल और पॉइंट के बाद 2-2 वैल्यू को कंसिडर करेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर वो 4 को राउंड ऑफ नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो ये क्या आपके पास कंसिडर करेगा 62.44। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि वो 0.2 डेसिमल के बजाय वो 1 डेसिमल करे तो यहाँ पर क्या चेंजिंग आ जाएगी 5.1F। अगर मैं आपसे कहूँगी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आए तो वो क्या हो जाएगा 6.3 आ जाएगा, क्योंकि एक नंबर बढ़ गया तो यहाँ पर भी एक नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। 1, 2 पॉइंट को भी कंसिडर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये क्या हो जाएगा 6.3, यानी कि टोटल 6 डिजिट्स हों और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हों तो ये क्या हो जाएगा 6.3। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जो डिस्प्ले होना चाहिए वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए। तो मैं अगर इनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रांसफ़र करूँगी तो क्या हो जाएगा 5.2 हो जाएगा, यानी कि वो 5 टोटल डिजिट लेगा और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू को लेगा, ये वेरिएबल 1 को लेगा और यहाँ से वो वेरिएबल किसको लेगा, वेरिएबल 2 को लेगा और लास्ट में हमारा जो कर्ली ब्रैकेट होगा वो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास इसी तरह प्रोग्राम है, इसको आप एज इट इज़ राइट कर लें। आप लोगों को उम्मीद है कि ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यस गर्ल्स, हियर वी हैव द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 10। ठीक है, आपका ये असाइनमेंट है, आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को लर्न करके इनके असाइनमेंट राइट करके मुझे सबमिट करवानी है। नंबर 1 क्वेश्चन है डिफाइन स्टैंडर्ड इनपुट, नंबर 2 डिफाइन स्टैंडर्ड आउटपुट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन, राइट इट्स सिंटैक्स, राइट पर्पज़ ऑफ स्कैन एफ फंक्शन एंड आल्सो राइट सिंटैक्स, वट आर द स्टेप सिक्वेंस, वट विल बी द आउटपुट ऑफ। अब हमें सिर्फ इस लाइन की आउटपुट आप लोगों ने बतानी है कि सिर्फ ये लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट होगी तो इसका आउटपुट क्या होगा। उसके बाद ही हमारे पास वट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस लाइन, यानी कि सिर्फ ये लाइन आपने एग्जीक्यूट करवा के बताना है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। विच स्किप सिक्वेंस कैन बी यूज टू बिगिन अ न्यू लाइन इन सी, सी लैंग्वेज में अगर न्यू लाइन में हमें शिफ्ट होना हो तो हम कौन सा स्किप सिक्वेंस यूज करते हैं, और वट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस, एस इक्वल टू 100, प्रिंट एफ इनवर्टिस कॉमा सम इक्वल टू परसेंट डी कॉमा एस। ठीक है, ये आप लोगों ने तमाम क्वेश्चंस आप लोगों एक दफ़ा इस ग्रुप सबको नोट डाउन कर लें और आप लोगों ने विद इन अ 2 डेज ये असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवानी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।